अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। एक लड़की का बड़ा इबरतनाक वाक्या है। रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त घर में एक माँ और उसकी बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, अफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मदद करो और काम में लग जाओ और इफ्तारी तैयार कराओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उससे फारिग होकर ही आपके साथ कुछ मदद कर पाऊँगी। क्योंकि वक्त बहुत ही कम था, इसलिए माँ ने उससे कहा कि तुम उसको छोड़ो और पहले काम कराओ। बेटी ने माँ की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी ले जाकर चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझसे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनाचे वो ऊपर के कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगाई और फिर प्रोग्राम देखने लगी। नीचे माँ बेचारी आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने कुछ भी परवाह नहीं की। फिर माँ से जो भी अफ्तारी का सामान तैयार हो सका उसने किया। इतने में मेहमान भी आ गए और सब अफ्तारी में बैठने लगे। माँ ने फिर लड़की को आवाज़ दी ताकि वो रोज़ा इफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माँ उठी और दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज़ भी दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया तो माँ और भी घबरा गई, अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। चुनाचे माँ ने उस लड़की के भाइयों को और बाप को बुलाया, उन्होंने आवाज़ दी, दस्तक दी, मगर अंदर से कोई भी जवाब ना आया तो दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरे हुए औंधे मुंह लड़की ज़मीन पर पड़ी है, इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उस लड़की की लाश को उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई है। अब सब लोग परेशान हो गए, इसकी लाश उठ क्यों नहीं रही है। इस परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी उठाया तो लाश भी उठने लगी और हल्की हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो उसकी लाश भी हल्की हो जाती थी और अगर टीवी रखे रहने दें तो उसकी लाश भारी हो जाती थी। और फिर इसी तरह टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे लाई गई और जैसे तैसे उसे गुस्ल कफन दिया गया। जब उसका जनाजा तैयार होने लगा तो फिर उसकी चारपाई को उठाने लगे। जैसे ही चारपाई उठाई तो चारपाई उठ भी नहीं रही थी, उस पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। आखिरकार टीवी घर से बाहर निकाला तो उसका जनाजा भी बाहर आने लगा। अब इसी हालत में उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी और पीछे जनाजा चल रहा था। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और जब कब्र को बंद करके लोग वापस आने लगे तो लोगों ने कहा कि अब इस टीवी को भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाई और जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरतनाक बात है, ऐ अकलमंदो इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र बंद कर दी और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आखिरकार उस लड़की की लाश कब्र में तीसरी बार रखी गई और टीवी को उसके सरहाने रख दिया गया और उसके साथ ही उसे दफन करना पड़ा। अब आप सोचिए कि लड़की का क्या हश्र हुआ होगा, क्या अंजाम हुआ होगा।
हमारी इबरत के लिए अल्लाह ने हमें ये दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत हासिल ना कर सकें तो ये हमारी नालायकी और बेवकूफ़ी होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें।